तो गाइज़, क्या आपको भी कुछ इस टाइप से अपने फ़ोन को सेटअप करना है, या आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर कोई अच्छा सा सेटअप ढूंढ रहे थे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आपको मैं आज ऐसे दो सेटअप बताने जा रहा हूँ जो आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छा एक लुक प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, और हर एक पॉइंट पे आप जो है वीडियो को अच्छे से देखना, तो आपके जो सभी डाउट्स है यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सभी फाइल्स यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आपको इन सभी जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, इन सभी जो फाइल्स है इनको इंस्टॉल करना है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट आप एक मिनट रुक जाओ, इनका लिंक मैं अभी आपको नहीं दे सकता। इनका लिंक मैं आपको दूंगा जब आप इस वीडियो पे 50 लाइक्स कंप्लीट करोगे। तो जल्दी से इस वीडियो पे 50 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो, और मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है कस्टम विजेट्स वगैरह, नोवा लॉन्चर, ये सभी आपको प्रो प्रीमियम एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको ये एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं मिलेगी। सो गाइज, ये रही सभी फाइल्स, और यहाँ पे सबसे पहले आपको नोवा लॉन्चर प्राइम को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है कस्टम विजेट प्रो, ये आप देख रहे हो सेकंड नंबर पे, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और थर्ड नंबर पे आपको करना है ये जो आइकन पैक है सेलस ब्लैक का, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये सिंपली एपीके के टाइप यहाँ पे जो इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आपको आना है नीचे स्कूटर वाले पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक कर देना और इसको जो है ओपन विद करना है कस्टम विजेट के साथ, और इसको यहाँ पे से इम्पोर्ट कर देना, तो ये आपका इम्पोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरा कस्टम विजेट है, इसको जो है यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना, सिंपल हो जाएगा ये, इसमें कोई भी यहाँ पे इशू नहीं आएगा। तो लास्ट है जो हमारा, ये है हमारा स्कूटर डॉट नोवा बैकअप, तो इसको आपको जो है सिंपली रिस्टोर बैकअप कर देना है, और यहाँ पे ये जो रिस्टोर हो गया आपके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी आपको सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको यहाँ पे आगे बता देता हूँ। तो आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या यहाँ पे फॉलो करना है। आपको सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है डिफॉल्ट ऐप्स के अंदर, और यहाँ पे जो है होम ऐप आपका जो लॉन्चर है इसको नोवा लॉन्चर सेट कर देना है। सो ये कुछ इस टाइप से आपको फीलिंग देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आपको लुक यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे दो कस्टम विजेट्स के आपको देखने को मिल जाते हैं, और इस टाइप से आपके जो आइकन पैक है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपको मैन्युअली इसको करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप करोगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इस सेटिंग के, और जो आपको एक आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सेम आपको नीचे इस टाइप से जो है क्रिएट कर देना है। अभी आपको जो है इसके अंदर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको जो है वो KWGT वाला ऐप है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्टेड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको जो है दो यहाँ पे कस्टम विजेट्स देखने को मिलेंगे। मेरे चार है, मैंने दो बार यहाँ पे इंस्टॉल किए। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको दिख रहा है ये SD कार्ड आरुण वाला, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे, और यहाँ पे अभी इसका साइज हमें यहाँ पे सेट करना है। तो उसके लिए आपको जाना है लेयर के अंदर, और लेयर के अंदर आपको स्केल देखने को मिल जाता है नीचे, आप देख सकते हो। इसको आपको जो है स्मॉल कर देना है यहाँ से, इस टाइप से थोड़ा, और यहाँ पे इसको छोटा करेंगे क्योंकि यहाँ पे बैटरी बार आपको नीचे देखने को मिल जाता है, उसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऊपर एक आइकन, इसके थ्रू आप इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट विजेट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लग जाएगा। सो ये आपका सेटअप यहाँ पे एक तो हो गया। अब सेकंड आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस टाइप से आपको करना है। सो सेकंड के लिए आपको फिर से इसके अंदर डबल टैप करना है, और यहाँ पे इस साइड वाला जो आपको देखने को मिल जाता है छोटा वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे दो है मेरे W2 वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेम आपको लेयर के अंदर जाना है, और यहाँ से इसका साइज है जो वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अगर आपकी DPI ज़्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे मेरा तो डिफ़ॉल्ट DPI पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, सो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इस टाइप से इसको क्लिक किया, और यहाँ से फिर से हम सेव कर देंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन एक्सेस मांगेगा। तो यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे, और यहाँ पे नोवा लॉन्चर है उसको भी हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। सो दोनों को करने के बाद आपको बैक करना, और यहाँ से फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो सेकंड विजेट है वो भी यहाँ पे लग चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अंदर आपको जो है कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अगर आप टैप करोगे इस लेयर के ऊपर, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पे सेट कर सकते हो एप्लीकेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सो यहाँ पे आपको टच के अंदर आना है, और कस्टम एक्शन के ऊपर आ जाना है।
कस्टम एक्शन के अंदर आपको क्लिक करते ही आपको देखने को मिल जाएगा लॉन्च ऐप। जैसे मैं यहाँ पे जो है ऐप यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ नीचे, तो लॉन्च ऐप के अंदर मैं यहाँ पे जैसे सेट कर देता हूँ यूट्यूब, और इसको मैं यहाँ से सिर्फ सेव कर देता हूँ, तो उसके बाद आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ तो आपका यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो जाएगा। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फीचर आपको देखने को मिल जाता है, और रीसेंट ऐप्स आपके कुछ इस टाइप से यहाँ पे वर्क करेंगे। अभी यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेटिंग्स और करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी। एक तो आपको यहाँ पे जो है अपनी स्टेटस बार उसको शो करने के लिए उसके अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको नोवा सेटिंग्स के अंदर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लुक एंड फील के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन एक, यहाँ पे देख सकते हो शो नोटिफिकेशन बार, इसको आपको इनेबल कर देना है, और उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट नोटिफिकेशन बार इसको भी यहाँ पे क्लिक कर देना, तो सभी आपका जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ से इसको रीसाइज कर सकते हो इस टाइप से। सो वो आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप से इसको सेट करना, तो इस टाइप से आपको इजीली यहाँ पे एक सेटअप तैयार कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स आपका जो ये हो जाएगा। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन पैनल का कुछ जो है दिक्कत आ रहा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से, आप इसको डिसेबल कर सकते हो यहाँ से इस टाइप से कुछ, इसको डिसेबल करके आप जो है काफ़ी अच्छा लुक एक अपने डिवाइस को दे सकते हो। सो ये भी आपका रिमूव हो गया। और आइकन पैक है जो, उसके लिए भी आपको यहाँ पे नोवा सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे लुक एंड फील के अंदर आते ही आपको आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप है जो आइकन थीम इसको जो है सेट कर सकते हो आप इस टाइप से। सो ये आपका इजीली सेट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली नीचे कोई भी यहाँ पे आइकन पैक है जो एडजस्ट कर सकते हो। सो मेरा इस टाइप से कुछ ये शो हो रहा है। सो गाइज अब चलते हैं हमारे दूसरे सेटअप की ओर। तो आपको सिंपली वैसे ही इसको इंस्टॉल करना जैसे मैंने फर्स्ट वाला आपको बताया, सारी फाइल्स को आपको वैसे ही इंस्टॉल कर लेना है, और जो इसका आइकन पैक है वो भी मैं आपको दे दूंगा। बट उससे पहले आपको जो कंडीशन है वो पता है, तो जल्दी से जाके लाइक ज़रूर कर दो, 50 लाइक कंप्लीट कर दो इस वीडियो के ऊपर। तो सभी फाइल्स आपको जो है इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप से नज़र आएंगी, तो यहाँ से आपको फिर से इसके ऊपर टैप कर देना सेटिंग वाले पे, और यहाँ पे जो है क्रिएट कर देना, और इसके ऊपर भी सिंपली आपको क्रिएट कर देना। सो इस टाइप से आपका ये जो सेटअप हो जाएगा, और उसके बाद आपको डबल क्लिक कर देना, और एक्सपोर्टेड के अंदर आपका यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आपको उसको सिंपली जो है एक्सपोर्ट कर देना है। तो मैं सिंपली इन दोनों को जो है विजेट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है एक्सपोर्ट कर लिया, और सिंपली यहाँ पे आपको जो है ये वाला आपको दिख रहा होगा क्लॉक स्कल वाला, इसके ऊपर आपको टैप करना है, और फिर से आपको जो है यहाँ पे लेयर के अंदर आना, और इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली सेट कर देना, जितना आपको साइज इसका चाहिए उसको सेट कर देना। जैसे मैं इसको इस टाइप से जो है सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे सेटअप हो चुका है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका मैं थोड़ा सा रीसाइज इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, बट ऐसा ही ठीक है, क्योंकि नीचे अगर करेंगे तो ये वाले जो आइकन है आपके ये रिमूव हो जाएंगे। अभी हम दूसरा सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर सबसे ये आपको म्यूजिक स्कल वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे लेयर्स के अंदर चलते ही आपको इसको सेट कर देना है यहाँ से। तो इस टाइप से हम इसको सेव कर लेते हैं, और आपका ये यहाँ पे भी सेट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कूल आपको देखने को लग रहा है। और अगर हम स्टेटस बार की बात करें तो आपको सिंपली उसी मेथड को फॉलो करना है जैसा मैंने बताया, नोवा सेटिंग के अंदर जाके लुक एंड फील के अंदर, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है शो नोटिफिकेशन बार, इसको इनेबल कर देना है, और आपको बैक। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, और चैनल पे अगर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी सारी आपको एंड्रॉयड सेटअप की वीडियोज इस चैनल पे इन फ्यूचर मिलने वाली है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।